महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के आरोप में ब्रजभूषण सरल सिंह की गिरफ्तारी की मांग लगातार तूल पकड़ती जा रही है। पहलवानों के लगातार विरोध के बाद अब SID भी एक्शन मोड में आ गई है। इसके साथ ही ब्रजभूषण सरल सिंह पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। जानकारी के अनुसार इस मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की एक टीम सोमवार रात ब्रजभूषण सिंह के गोंडा स्थित आवास पर पहुंची। मामले की जांच कर रही SIT ने ब्रजभूषण के घर पर मौजूद 12 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की टीम सिर्फ गोंडा ही नहीं बल्कि लखनऊ स्थित ब्रजभूषण के आवास पर भी पहुंची। WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण सरल सिंह के खिलाफ आंदोलन करने वाले ओलंपिक पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट व बजरंग पुनिया उत्तर रेलवे में अपनी नौकरी पर वापस लौट आए हैं। आपको बता दें कि मलिक ने ट्वीट कर कहा है कि ये खबर बिल्कुल गलत है। इंसाफ की लड़ाई में ना हम पीछे हटे थे और ना ही हटेंगे। सत्याग्रह के साथ साथ रेलवे में अपनी जिम्मेदारी को भी निभा रही हूँ। इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। दरअसल पहलवान ब्रजभूषण सरल सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे। वो एक नाबालिग सहित 7 महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के आरोप में उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर संसद का घेराव करने जा रहे पहलवानों को पुलिस ने हिरासत में लेकर धरना समाप्त कराया था। मलिक के पति सत्यव्रत कादियान ने कहा कि गृह मंत्री से पहलवानों की मुलाकात में कोई भी हल नहीं निकला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24।